हेलो हाय अतरंगीज, वेलकम टू आवर चैनल अद्भुत अतरंगीज। आज हम बनाएंगे गार्लिक फ्लेवर के चाउमीन यानी कि वेज नूडल्स स्ट्रीट स्टाइल में। देखिए कितने यमी हैं और टेस्टी हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे, इसमें नूडल्स को बॉईल करेंगे। इसमें डालेंगे ढेर सारा पानी। अब हम इसमें डालेंगे नमक और थोड़ा सा तेल यानी कि वेजिटेबल ऑयल, एक दो चम्मच इतना बस। और हम इसे थोड़ी देर के लिए कवर छोड़ देंगे ताकि पानी जो एकदम बॉइलिंग हॉट हो जाए। अब देखिए पानी एकदम बॉइल्स लेने लगा है और एकदम गर्म हो चुका है। तो हम इसमें डालेंगे नूडल्स। हमारे यहाँ कुछ ऐसे नूडल्स मिलते हैं, आपको जैसे भी नूडल्स मिलते हो और आप जिससे भी बनाना चाहते हो उनको ऐसे ही उबाल लीजिएगा। और हमने इनको सारों को डाल दिया है। और अब जैसे थोड़ा सा उबाल आने लगेगा पानी में, हम इसको कवर कर देंगे नूडल्स को। अगर आपको गैस की थोड़ी सी एनर्जी बचानी है तो आप कवर करके पकाइएगा, नहीं तो आप खुला भी पका सकते हैं, आपको जैसे पसंद हो। हमने इसे कवर करके पकाया है, लगभग 5 मिनट में ही उबल जाते हैं अगर आप कवर करके उबालते हैं तो। देखिए 5 मिनट बाद हमारे नूडल्स काफ़ी हद तक उबल चुके हैं और फ्लोट भी करने लगे हैं। ये नूडल्स की निशानी होती है कि वे एकदम पक जाते हैं। हमने इन्हें 100% कुक नहीं किया, 90% जैसा कुक किया है। 10% हम कुकिंग के दौरान नूडल्स बनाते दौरान ये बन जाएंगे। और हमने इसके एक स्ट्रैंड को तोड़ के देख लिया, ये बन चुके हैं। बस अब हम इसकी गैस बंद कर देंगे और इसे पानी से निकाल देंगे और इसके ऊपर ठंडा पानी चला देंगे और नूडल्स बनकर रेडी। अब हम नूडल्स को बनाएंगे। हमने कढ़ाई को ले लिया, इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, लगभग 4 टेबल स्पून जितना ऑयल डाला हमने इसमें। ऑयल गर्म हो रहा है तब तक हम अपने नूडल्स के लिए एक ग्रीन चिली सॉस बना ले, रेड चिली सॉस बना लेंगे। इसके लिए हमने एक छोटी सी कटोरी ली है, उसमें 1 चम्मच इतनी रेड चिली पाउडर लेंगे, वो भी तीखा वाला। और इसमें थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा विनेगर डालकर इसकी ऐसी सॉस बनाकर तैयार कर लेंगे। अगर आपको रेड चिली सॉस डालनी हो तो आप रेड चिली सॉस डाल लीजिएगा, फिर इसे स्किप कर दीजिएगा। अगर आप रेड चिली सॉस नहीं डाल रहे तो इसे ज़रूर बनाइएगा, इससे ही बहुत अच्छा टेस्ट आता है स्ट्रीट स्टाइल। अब जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा हम इसमें डालेंगे गार्लिक ढेर सारा। हमने लंबा कटा कटा लहसुन लिया है। अगर आपको गार्लिक फ्लेवर ना बनाना हो तो आप गार्लिक मत डालिएगा, बट हम गार्लिक फ्लेवर बना लें इसलिए हमने ढेर सारा गार्लिक लिया है। और इसे अच्छी तरह से ब्राउन कर लेंगे ताकि जो एकदम बर्न्ट गार्लिक वाला टेस्ट आए नूडल्स में। और हमने ग्रीन ऑनियन काट लिया है, इसके आगे का हिस्सा पहले डाल देंगे हम, जैसे कि प्याज हो गया और वाइट स्टेम जो होती है, और जो ग्रीन स्प्रिंग ऑनियन है इसका उसको नहीं डालेंगे, उसको हम गार्निशिंग में डालेंगे। और इसे अच्छी तरह से सॉटे कर लें। आपको इन्हें तब तक सॉटे करना है जब तक इनकी पेटल्स खुल नहीं जाती। जैसे इसकी पेटल्स खुल जाएगी आप इसके ऊपर वेजेस डालना स्टार्ट कर दीजिए। हम सबसे पहले गाजर को डाल रहे हैं और गाजर को भी हमने लंबा लंबा पतला पतला काट के लिया है। आप सारी वेजेस एक शेप में काटेंगे तो सारी वेजेस अच्छी भी लगेंगी और उनका कुकिंग टाइम सेम ही रहेगा। अगर आप अलग अलग से काटेंगे
तो फिर शायद से कुकिंग टाइम अलग हो जाए और कोई सब्जी कच्ची रह जाएगी और कुछ ज़्यादा ही पक जाएगी। तो इसलिए हमेशा सब्जी एक साइज में ही काटें। हमने गाजर को लंबा लंबा काट के लिया है और इन्हें थोड़ी सी देर पका लीजिए। हम ये जो सारी कुकिंग कर रहे हैं फुल गैस में कर रहे हैं। अब किसी भी स्टेज पर स्लो गैस मत कीजिएगा, नहीं तो वेजीज सारा पानी छोड़ देंगी और विल्ट डाउन हो जाएगी। अब हम इसमें डाल देंगे कैबेज। हमने कैबेज को भी लंबा लंबा ही काटा है और इसे अच्छी तरह से सौते कर देंगे। बस इन वेजीज को ज़्यादा नहीं, दो दो मिनट के लिए सौते कीजिएगा, जब तक कि इनके ऊपर ऑयल की पॉलिश जैसे दिखने ना लगे। बस हमें इन्हें पकाना ही, थोड़ी थोड़ी क्रंची ही होती है और टेस्ट में क्रंची ही लगती है। आप सब्जियों को थोड़ा ऐसे खिलेर खिलेर के रखें ताकि जो सब्जियां हैं वो इकट्ठा होकर मॉइस्चर ना ओज आउट करें और ये विल्ट डाउन ना हो जाए। लगभग हमने गोभी को भी डालकर, मतलब पत्ता गोभी को भी डालकर दो मिनट के लिए पका लिया। देखिए इसमें से ऑयल निकलने लगा है। बस हमें इतना ही पकाना है और सब्जी को थोड़ा क्रंची रखना है। अब हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को भी हमने लंबा लंबा काट के लिया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। हम शिमला मिर्च को ज़्यादा नहीं पकाने वाले क्योंकि हमें इसका क्रंची टेस्ट अच्छा लगता है। अगर आपको ना पसंद हो तो आप इसे थोड़ा सा दो मिनट के लिए ऐसे ओपन ही पका लीजिएगा, ये अपने आप ही पक जाएगी और इसका क्रंची क्रंची टेस्ट थोड़ा कम हो जाएगा। और इसमें हम डाल देंगे नमक। हमने सारे नूडल्स का नमक इसी टाइम डाल दिया है और आप नमक हिसाब से डालें क्योंकि जो हम सॉसेस डालने वाले हैं उनमें भी नमक होता है, तो ध्यान से डाल लीजिएगा। अभी हमने नमक को मिक्स इसलिए नहीं किया है कि जो नीचे से वेजीज है अगर नमक के साथ मिलकर पानी छोड़ देंगे, इसलिए हमने ऊपर ऊपर ही नमक को रखा है। अब जैसे ही थोड़े से वेजेस से ऑयल ओज आउट होगा तब हम इसके नमक को मिक्स करेंगे। अब हम इसे मिक्स कर दें क्योंकि अब इसके जस्ट बाद हम डाल देंगे इसमें नूडल्स। बस हमारी वेजेस को हमने इतना ही पकाना था क्योंकि हमें क्रंची क्रंची रखनी है और जो स्ट्रीट स्टाइल नूडल्स होते हैं उसमें भी ऐसे ही क्रंची क्रंची रखा जाता है। अब हम इसमें डाल देंगे बॉईल किए हुए नूडल्स। देखिए एकदम खिले खिले बने क्योंकि हमने इसे ठंडे पानी से लास्ट में धो लिया था।
और इसे मिक्स कीजिएगा अच्छी तरह से। और नूडल्स डालने के बाद आप थोड़ा सा ना गैस को धीमा कर दीजिएगा, क्योंकि ये स्टील की कढ़ाई है। अगर आपकी नॉनस्टिक हो तो फिर आप फुल रख सकते हैं गैस को। अभी हमारी स्टील की कढ़ाई है तो इसलिए हमने गैस को थोड़ी देर के लिए सिम किया है, ताकि जो नूडल्स है वो स्टिक ना करे। और अब हमने जो रेड कलर की स्टार्टिंग में सॉस बनाई थी, पानी और सिरका डालकर उसे मिला दिया है। और इसमें हम डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, और इसमें डालेंगे सिरका। हम इसमें 3 टेबल स्पून जितना सिरका डाल रहे हैं। और इसमें डालेंगे 1 चम्मच जितने ग्रीन चिली सॉस। और अब हम इसमें डालेंगे 3 टेबल स्पून जितना सोया सॉस। और अब हम इसमें 3 टेबल स्पून जितना पानी भी डालेंगे, ताकि जो नूडल्स हैं उनमें थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाए। और इसमें डालेंगे लास्ट में अजीनोमोटो 1 चम्मच जितना। अगर आपके पास अजीनोमोटो ना हो तो आप एरोमेट पाउडर भी डाल सकते हैं स्टेज पर, दोनों का सेम ही टेस्ट होता है। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, ताकि जो सारी सॉसेज है वो एक एक नूडल्स में कोट हो जाए। आप 1 चम्मच से मिक्स करने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन होगा नहीं तो आप इसे 2 चम्मच की मदद से ही मिक्स कीजिएगा। इससे नूडल्स टूटेंगे भी नहीं और अच्छी तरह से जो हमने सॉसेज डाली है वो कोट हो जाएगी इसमें। और इस दौरान हमने गैस को फुल कर लिया है। अब हम इसे फुल गैस में लगभग 2-3 मिनट के लिए करेंगे और नूडल्स पककर रेडी हो जाएंगे। और अब हम स्टेज पर इस पर डालेंगे टोमेटो केचप। अगर आप सर्विंग करते टाइम डालना चाहें तो सर्विंग करते टाइम डाल दीजिए, नहीं तो हम हमारे जैसे यहाँ पर डाल दीजिए। हमने इसमें डाले 4 से 5 टेबल स्पून जितनी केचप डाल दी है। और अभी से भी डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारी स्टील की कढ़ाई है और इसमें बिल्कुल भी नूडल स्टिक नहीं किए। अगर आप ध्यान रखेंगे गैस की आंच का, तो नूडल्स कभी भी स्टील की कढ़ाई में स्टिक नहीं करते। और लास्टली हम इसमें गार्निश कर देंगे स्प्रिंग ऑनियंस। हमारे नूडल्स बनकर रेडी हैं और हमने सर्व कर लिए इन्हें गर्मा गर्म। कितने यम्मी और टेस्टी हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं अद्भुत अतरंगी नाम से।